कहते हैं कि जोड़ियां तो ऊपर वाला तय करता है, नीचे वाले तो उसे सिर्फ मिलाने का काम करते हैं। और एक ऐसी ही जोड़ी को मिलाने का नेक काम किया है समाज सेविका फरजाना खान ने। नालासोपारा पूर्व स्थित पेल्हार गांव में फरजाना खान ने एक ऐसी युवती का विवाह एक नेक बंदे से करवाया जिसके सर के ऊपर उसके अपनों का साया नहीं था। वो अपने पति के जुल्मों का शिकार हुआ करती थी, उसकी एक नन्ही बच्ची भी है। फरजाना के इस नेक कार्य से जहां एक परिवार बस गया, वहीं एक मासूम के सर पर पिता का साया भी मिल गया। वहीं इस बारे में फरजाना ने मीडिया को जानकारी दी। मैडम, क्या नाम है आपका? फरजाना खान, समाज सेवक सर। मैडम, ये शादी हो रही है, किन परिस्थितियों में हो रही है? परिस्थिति ऐसी है सर कि ये बच्ची का नाम गुलबशाह है। कुछ समय पहले ये हमारे पास आई थी हमारे ऑफिस में। कुछ पास मतलब इसके मम्मी पापा नहीं है, फादर एंड मदर दोनों नहीं है। बहुत गरीब घर से लड़की है और इसकी एक छोटी बेबी है 1.5 साल की। जो इसका पास था वो बिल्कुल भी सही नहीं था, मतलब वो आदमी बहुत इसको मारता पीटता था, सब बहुत कुछ तकलीफों के साथ लड़की ने बहुत स्ट्रगल किया है। फिर ये हमारे पास आई, हमारे में समाज सेवकों को जैसे काफ़ी केस वगैरह आते हैं हमारे पास, फिर ये बच्ची भी आई हमारे पास। तो बस हम लोग ने सोचा कि अभी एक बच्ची है और उसी में फिर ये बच्चा जो बैठा है इसने बोला कि मैं एग्री हूँ इनकी बेबी को एक्सेप्ट करने के लिए और मैं शादी करने को तैयार हूँ। तो हमने सोचा कि रिश्ते तो सहयोग से ही बनते हैं, किसी का जैसे अभी आप देख ही रहे हैं समाज में महिलाओं के साथ कितना गलत हो रहा है, वहीं भी ऐसे भी लोग हैं समाज के अंदर जो किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बच्चे को नाम दे रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है सर कि मेरे हाथ से किसी लड़की का घर बस रहा है। एक माँ एक बहन के रूप में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे मेरे हाथ से किसी का परिवार किसी का संसार बस रहा है। तो वहीं दुल्हन भी इस फैसले से काफी खुश है और फरजाना को दुआएं दे रही है। रिश्ते संजोग से ही बनते हैं, लेकिन जो संजोग आज आपके साथ हो रहा है आप उससे खुश हो? हाँ। इस शादी के लिए आपको किसने प्रेरित किया? फरजाना। वहीं दुल्हा मियां भी इस निकाह से काफी खुश हैं। क्या नाम है आपका? अकबर। जो आज शादी की जा रही है आपकी मर्जी से की जा रही है, आप खुश हैं इस शादी से? सही है। ये जो परिवार बस रहा है तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं आप दूसरों के लिए मिसाल पेश कर रहे हो, इसके लिए आप किसको अपनी प्रेरणा मानते हो? मैं तो उसे फरजाना अपन ने भी बताए थे कैसे से घर में भी आगे बोले थे, इसलिए तो फिर अम्मी ये सब से बात करेंगे तो वो सब अम्मी ने बोले थे अच्छे कर लो जैसा भी तुम्हें तो रहा है, एक दिन किसका अच्छा होता है। और जो क्या बोले हमारे इसमें अल्लाह ताला ये सब चीज़ देख के और ये होते हैं। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं, आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं? अपनी मर्जी से कर रहा हूं। अच्छा लग रहा है आप? अच्छा लग रहा है। वहीं समाज सेविका सना थारा ने फरजाना के कार्यों को सराहा। नाम है आपका? मेरा नाम सना थारा। ये जो आज शादी यहाँ पे की जा रही है क्या कहना चाहोगे आप? बहुत बढ़िया काम हो रहा है, किसी बच्ची का घर बस रहा है, जो दुखी थी उसको सुखी संसार मिल रहा है और बहुत अच्छे घर में जा रही है। और जो फरजाना पर जो काम कर रही है बहुत बढ़िया काम कर रही है। देख कहीं ना कहीं समाज में उनके लिए एक नज़ीर बनेगा, जो इस तरह की कई बार परिवार टूट जाते हैं और उनको कोई सहारा नहीं मिलता है। जी तो क्या कहना चाहोगे? नहीं, ऐसे ऐसे फरजाना अपन जैसे लोग ही है जो ऐसे बेसहारा लोगों को सहारा देने का काम करते हैं और बहुत सवाब का काम करते हैं। तो वहीं समाज सेविका विनीता विश्वकर्मा ने भी फरजाना के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। नाम है आपको? मैं नमस्कार, मैं विनीता बाबुलनाथ विश्वकर्मा, महिला मोर्चा का सचिव। मैडम, यहाँ पे शादी हो रही है, क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, इसके लिए तो मैं बोलूँगी कि फरजाना मैम ने जो कदम उठाया है बहुत सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने किसी को आसरा दे के उनको उनके घर तक पहुँचा, उनको कोई जगह दे रहे हैं। ऐसा काम होना चाहिए, हर एक महिला को होना चाहिए। नालासोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज़ की एक रिपोर्ट।